हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भूपेंद्र ओझा ब्लॉग्स। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी और एक और नए दिन की शुरुआत करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार के साथ। तो गाइस, अभी हम लोग हैं वृंदावन के अंदर और अभी हम लोग निकल रहे हैं बरसाना के लिए। तो जी हाँ गाइस, बरसाना जल्दी ही आपको लेके चलेंगे बरसाना और दिखाएंगे आपको बरसाने का मंदिर और बरसाने में क्या कुछ खास है और क्या फेमस है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो गाइस, रवाना हो गए हैं बरसाने के लिए और हैं हम लोग गाड़ी के अंदर, जल्दी ही पहुंचेंगे हम लोग बरसाना। ये देखिए राघव जो है वो किस अंदाज में पीछे की तरफ बैठ हुआ है और कह रहा है कि मत करिए मत करिए, लेकिन हमें काम कहाँ बाज आने वाला है, हम तो करेंगे क्योंकि हम बनाने ही ब्लॉग आए हैं। दोस्तों, आज का जो दिन है वो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं बरसाने के मंदिर। जी हाँ गाइस, जहाँ पे नाम में ही लिखा हुआ है बरसाना, मतलब जहाँ पे कृपा जो है वो बरसती है, तो आज हम उसी, हमें सौभाग्य मिला है उसी मंदिर के दर्शन के लिए। तो हम लोग अभी कीर्ति मंदिर के आगे से निकल रहे हैं जो कि कृपालु जी महाराज के द्वारा जो है वो निर्मित है मंदिर, और प्रेम मंदिर की तर्ज पे ही जो है इस, मतलब उसी अंदाज के अंदर इस मंदिर को बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है क्योंकि राधा रानी के दर्शन का जो है वो टाइम हो रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ नहीं रुक के अभी हम लोग सीधे पहुँचेंगे बरसाना, जहाँ पे हमारी लाडली जी के हम लोग दर्शन करेंगे। तो गाइस, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड के आदि हैं, मध्य हैं और अंत हैं, लेकिन हमारी जो राधा रानी है, हमारी जो किशोरी जी है, वो उनसे भी सुपीरियर है। जिन्हें कहा जाता है कि सुनो राधा रानी, गुलाम तेरो बनवारी। तो गाइस, अभी हम लोग जो है वो पहाड़ियों की चढ़ाई पे जो है वो चढ़ चुके हैं और चढ़ाई जो है वो काफ़ी ऊँच, मतलब अच्छी वाली चढ़ाई है जहाँ पे अच्छे अच्छे ड्राइवर भी जो है वो नहीं चढ़ा पाते हैं। तो हमारा जो ड्राइवर है उसने हमें ऊपर तक पहुँचा दिया है और यहाँ पे जो हमने गाड़ी जो है वो पार्किंग में लगा दी है। पार्किंग थोड़ी सी यहाँ पर जो है वो 50 गाड़ियों की पार्किंग है। जब गाड़ी ऊपर चढ़ती है तो नीचे की जो जगह को रोक दिया जाता है, और जो जब नीचे उतरती है तो ऊपर की जगह को रोक दिया जाता है। तो गाइस, यहाँ आकर चारों तरफ से जब राधे राधे की धुन जब कानों में पड़ती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमने बांके बिहारी जी के भी दर्शन किए, हमने बाकी मंदिर में भी दर्शन किए। भीड़ काफ़ी होती है लेकिन जब आप आंखें बंद करते हो तब आपको इतनी शांति यहाँ पर जो है वो महसूस होती है। अभी हम लोग जो है वो मंदिर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हमारे कदम, और यहाँ से जो है वो ऊपर किले से जो है वो रास्ता कटता है मंदिर की चढ़ाई का, जहाँ पे आप फूल माला प्रसाद जो है वो आप लेकर मंदिर की तरफ जो है वो जा सकते हैं। रास्ते में आपको कोई चीज़ खरीदनी हो तो आप कोई चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो है वो खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। हाँ, चाट पकौड़ी जो है वो आपको मिल जाएगा लेकिन खाने खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ जब भी यहाँ पे आएँ आप खाना खा के आएँ, और बाहर ही जो मंदिर के जो है वो जूता स्टैंड है जहाँ पर आप जूते खोल के मंदिर में जा सकते हैं। तो जी गाइस, हम प्रवेश कर चुके हैं मंदिर के अंदर और यहाँ से जो है हम आपको दिखाएंगे ब्रजपुरा, जो बरसाना जो है वो ऊपर से जो देखिए ये बरसाना जो गांव है, और ये मंदिर के बाहर का जो है वो प्रांगण है जहाँ पर लोग बाग जो है वो इकट्ठे होते हैं। और यहाँ से बरसाना का जो पूरे ब्रज का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा वाला लुक आता है। तो गाइस, हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि राधा रानी का जो जन्म स्थल है वो रावल है। उनके पिता जो है हमारी राधा रानी किशोरी को रावल से जो है वो बरसाने लेकर आए थे, और
क्या आपको पता है कि जो हमारे बांके बिहारी जी का जो मंदिर है वहाँ पर जो है वो मंगल आरती नहीं होती है। वो मंगल आरती नहीं होने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हमारे माधव, हमारे जो बांके बिहारी जो है वो खुद जो बरसाने में जो है वो मौजूद होते हैं, राधा रानी के दर्शन में खड़े होते हैं सुबह मंगल आरती, जो कि सुबह 5 बजे जो है वो होती है। तो केशव जो है हम वो यहाँ पे खुद अवेलेबल रहते हैं, इसीलिए उनके मंदिर बांके बिहारी जी के मंदिर के अंदर जो है वो मंगल आरती नहीं होती है। तो गाइस मंदिर जो है वो काफ़ी बड़ा विशाल मंदिर है, और यहाँ पर आने के बाद में आपको वो शांति महसूस होती है जब आप आंखें बंद करके राधे रानी का जो है वो ध्यान करते हो, तब आपको मन में एक शांति जो है वो प्रतीत होती है। तो गाइस इस जो गाना अभी मैं आपके सामने गुनगुनाने वाला हूँ उसका मतलब मुझे यहाँ आकर जो है वो पता लगा। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बाण दया की तनक धरो, राधे किशोरी दया करो। विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापनि जो जरो, राधे किशोरी दया करो, कबहु तो कृपा करोगी राधे, कबहु तो कृपा करोगी राधे, इसी आस पे द्वार पर्यो। तो गाइस आप देखिए राधा रानी की जो सखियां हैं, क्योंकि मतलब राधा रानी को महिलाएं जो है वो अपने मित्र मानती हैं, और महिलाएं जो है वो यहाँ पर एकत्रित होकर जो है वो नृत्य कर रही है, राधा रानी को जो है वो लुभाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि राधा रानी तो सबकी सखी है, और राधा रानी के दर्शन मात्र से ही जो है वो जिंदगी जो है सफल हो जाती है, क्योंकि हमारे जो बांके बिहारी जो है वो डरते ही राधा रानी से हैं, इसीलिए जो है वो सुबह सुबह आकर जो है वो बरसाने में आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बांके बिहारी की तो बात ही कुछ और है। तो गाइस इस मंदिर के दो रास्ते हैं, एक वजह पीछे की तरफ से है जहाँ से हमने आपको दिखाया था, और ये दूसरा रास्ता जो है वो आगे की तरफ से है जहाँ से आप पैदल चढ़कर जो है वो मंदिर में डायरेक्टली आ सकते हो। यदि आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो आपको जो है वो ऊपर की तरफ से जो है वो आना पड़ेगा, और यदि आप पैदल आ रहे हो तो आप यहाँ से भी जो है वो आ सकते हो। तो गाइस दर्शन हमें हो चुके हैं, अभी हम लोग वापस जो है वो पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, और रास्ते में जो हमने आपको फूल मालाएं दिखाई थी, खाने पीने की जो है वो यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, हम आपको पहले से बोल रहे हैं यदि आप यहाँ पे आ रहे हैं तो भोजन करके आएँ और खाना जो है अपने साथ में लेकर आएँ। यहीं पर जो है वो महल जो है उसी के अंदर पार्किंग की व्यवस्था जो है वो की गई है, तो पार्किंग के लिए जो है वो 50 गाड़ियां मैक्सिमम जो है इस पार्किंग स्थल के अंदर आ सकती है। तो जब ये गाड़ियां यहाँ पार्किंग फुल हो जाती है तो नीचे गाड़ियों को रोक दिया जाता है, और जब ये दर्शन करके ये गाड़ियाँ जब नीचे उतरती है तब दूसरी गाड़ियों को जो है वो अलाउ किया जाता है। तो ये थोड़ा सा जो है वो माइनस पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है, और अभी हम लोग जो है वो ये महल कह लो या मंदिर कह लो इस परिसर में जाएंगे, तो लेकिन अभी ये जो है वो बंद है, और अभी कहा गया है कि ये जो मंदिर है वो खुलेगा 4 बजे। तो गाइस 4 बजे तक हम नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि हमें आगे भी जो है वो वृंदावन को भी दोबारा जाके जो है वो एक्सप्लोर करना है, तो हम बाहर बाहर से ही जो है वो आपको दिखाएंगे कितना अनूठा, कितना जो है वो नायाब ये महल जो है वो बना हुआ है, या मंदिर जिसे आप कह रहे हैं। अभी मंदिर के पट जो है वो बंद है, तो लोग बाग जो है वो बाहर फोटोग्राफी का जो है वो आनंद ले रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं इस महल को जो है वो चारों तरफ से, जहाँ पर दीवारों पर जो है वो काफ़ी खूबसूरत जो है वो पेंटिंग्स बनी हुई है, और वो पेंटिंग जो है इस महल को एक शेखावाटी वाला जो लुक है, शेखावाटी की जो हवेलियाँ होती है उसी तर्ज पर जो है वो कृष्ण लीलाएँ पूरे मंदिर परिसर के अंदर अंदर जो है वो करी गई है। आप देखिए गेट भी जो है वो पुराने स्टाइल वाले जो है वो गेट हैं यहाँ पर, और आपको लगता नहीं है कि इस मंदिर को जो को या इस परिसर को जो है वो मॉडिफाई किया हो गया, आज भी यह अपनी उसी सुंदरता को जो है वो कायम किए हुए है, और पेंटिंग्स आप देखिए पेंटिंग आज भी ऐसे लगता है कि मानो अभी कुछ टाइम पहले ही जो है पेंटिंग बनाई गई है। तो उस टाइम के जो कारीगर यहाँ पर जो काम किया करते थे या इस ये पेंटिंग वगैरह का काम किया करते थे, वो कला जो है वो
आज जो है वो लुप्त हो चुकी है, लेकिन जब हम ऐसे स्थल पर जाते हैं, ऐसे पर्यटक स्थल पर जाते हैं या ऐसे मंदिर में जाते हैं, जब हम वहाँ पे इस तरह का काम देखते हैं, तो हमें एक अंदर से एक अलग ही जो है वो फीलिंग आती है। तो गाइस, राधे रानी का जो है वो कृपा सभी पर बनी रहे, राधे रानी का आशीर्वाद जो है वो सभी को मिलता रहे। राधाष्टमी पे आप यहाँ पे आइए, यहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छा मेला लगता है, और कृष्ण और राधा के जो है वो दर्शन कीजिए, शांति लाभ कीजिए। क्योंकि मैं तो जब भी मुझे छुट्टी मिलती है या जब भी मैं फ्री होता हूँ, मैं वृंदावन या बरसाना जो है वो दौड़ के चला आता हूँ। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच।